हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल DS देखो और सीखो। चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि मोबाइल से शादी वाला फ़ोटो एडिटिंग कैसे करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए इसी तरह का वीडियो को पाने के लिए। आइए फ्रेंड चलते हैं मेरे मोबाइल के होम स्क्रीन पर। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं, आप लोगों को सिखाते हैं कि शादी वाला फोटो एडिट कैसे कर सकते हैं, बहुत ही मस्त। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसको बनाने के लिए आपको वीडियो को ध्यान से देखना पड़ेगा, तभी जाके आप सीख सकेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे और आप लोग देखिए सीख जाएंगे। ठीक है, बीच में स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, तो शादी का फोटो बनाने के लिए उसके लिए सबसे पहले तो आपको पिक्सेल लैब खोलना होगा, पिक्सेल लैब ऐप। ठीक है फ्रेंड्स, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप लोग जाके डाउनलोडिंग कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरा ओपन हो गया फ्रेंड्स। ओपन होने के बाद फ्रेंड्स एक बैकग्राउंड का साइज ले लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, आराम से देखिए फ्रेंड। ठीक है, यहाँ पर दबाएंगे ऊपर में 3 डॉट में, उसके बाद देखिए इमेज साइज बता रहा है यहाँ पर, इसमें क्लिक करेंगे। ठीक है, देखिए कस्टम लिखा हुआ, उसके साइड में एरो दिखा रहा है, इसको क्लिक करने के बाद देखिए यूट्यूब थंबनेल दिखा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाला साइज आप लोगों को चूज कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, 1280x720। ठीक है, इसके बाद ओके कर देना है। ठीक है, ये टाइटल को हटा देना है, डिलीट करके ऊपर में देखिए डिलीट बटन है, हटा दिए। ठीक है, बन गया फ्रेंड्स। उसके बाद प्लस के आइकन पर जाना है। ठीक है, एक बार दबाएं, उसके बाद देखिए फ्रॉम गैलरी लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जाके आपने गैलरी से एक बैकग्राउंड ले लेना है फ्रेंड्स। ठीक है, बैकग्राउंड ले लेना है, बैकग्राउंड आप गूगल में जाके डाउनलोडिंग कर लीजिएगा। ठीक है, वहाँ पर मिल जाएगा, जैसे जैसे आपको जो जो बैकग्राउंड चाहिए वहाँ बहुत सारा मिल जाएगा, वेडिंग बैकग्राउंड बोलने से आ जाएगा। ठीक है, तो मैं वहाँ से एक डाउनलोडिंग करके रखा हूँ, तो उसी को लेता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाला लेता हूँ। ठीक है, आ गया, इसके बाद ओके कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसको अभी इसी के अंदर सेट कर देना है। ठीक है, इस तरह से खींच के। ठीक है, हो गया, इसको अभी लॉक कर देना है पेज को। लॉक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर ऊपर में लेयर का बटन दिखा रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, ऊपर में देखिए लॉक कर देना है। ठीक है, साइड में आएगा, लॉक हो गया, इधर उधर हिलेगा नहीं अभी। ठीक है, उसके बाद देखिए फ्रेंड्स प्लस के आइकन पे दबाना है, प्लस के आइकन पे दबाने के बाद फ्रेम गैलरी यहाँ से ले लेना है, फोटो ले लेना है। देखिए ये सब PNG बना कर रखना पड़ेगा पहले। ठीक है फ्रेंड्स, PNG बनाने के लिए मेरा वीडियो बना हुआ है, मेरा चैनल में जाके आराम से देख सकते हैं, वहाँ पर एक वीडियो बनाया हुआ है PNG कैसे बनाया जाता है, फ़ोटो का नीचे तरफ धुंधला कैसे करते हैं, सब ऑलरेडी बना हुआ है मेरे चैनल में, जाके आप लोग देख लीजिए सीख जाएंगे। उसके बाद जैसे आप PNG बना हुआ है उसके बाद सेलेक्ट करेंगे, है ना, तो मैं पहले कौन सा लगाऊँगा, ये वाला लगाऊँगा। ठीक है, यहाँ पर आइए। ठीक है फ्रेंड, देखिए इस तरह से आप लोगों को करना है, इस तरह से हम सेट कर देंगे यहाँ पर एक, है ना, इसके बाद ये वाला हो गया, इसको भी लॉक कर देंगे, जितना जितना ऐड करते जाएंगे उसको लॉक करते जाना। ठीक है फ्रेंड, तो हिलेगा डुलेगा नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, फिर प्लस बटन में दबाएंगे, फिर गैलरी में जाएंगे, फिर आरोक्टर ले लेना है, दूल्हा का कौन वाला लेंगे फ्रेंड्स, ये वाला लेंगे। ठीक है, इसको भी यहाँ पर सेट कर देंगे, देखिए किस तरह से बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर सेट कर दिए। ठीक है, थोड़ा छोटा हो गया, इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे, इस तरह से हो गया, और बीच में एक दे देंगे दोनों का एक साथ। ठीक है, अच्छा लगेगा तभी, ये ला दे देंगे। ठीक है, इसको दे देंगे बीच में, देखिए हो गया, यहाँ पर रख दिए,
देखिए कितना मस्त दिखा रहा। उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इधर उधर फिर ठीक है। उसके बाद नाम हम लिख देना है, ठीक है। नाम लिखने के लिए ए बटन में दबाएंगे, फिर प्लस में दबाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा। जैसे आप नाम लिख दीजिए उन लोगों का, हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, ठीक है। पर मैं इंग्लिश में लिख के दिखा देता हूँ, नरेश बेड। मनीषा, ठीक है। इसको ओके कर देंगे, यहाँ पर आप सेट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा फॉन्ट चेंज कर देना है, स्टाइल वाला, तो अच्छा लगेगा। यहाँ से आपको फॉन्ट ले लेना है जो अच्छा लगे, ये वाला रख देते हैं, ठीक है। देखिए उसके बाद इसका कलर उलर भी डाल देना है, तब अच्छा लगेगा। ग्रेडियंट कर देंगे तो थोड़ा मस्त लगेगा, ये देखिए हो गया। उसके बाद कंट्रास्ट थोड़ा बढ़ा देंगे, फिर उसके बाद स्ट्रोक कर देंगे, ठीक है। स्ट्रोक में व्हाइट दे देंगे, देखिए व्हाइट थोड़ा इसको स्ट्रोक को बढ़ा देंगे व्हाइट, ठीक है। इस तरह से हो गया, देखिए इस तरह से हो गया कंप्लीट। उसके बाद नीचे थोड़ा लिख देना है, प्लस बटन में दबा के उसी तरह से ऑन तारीख लिख देना है, कितना तारीख को शादी हुआ, ठीक है। मैं लिख देता हूँ 12 जून 2011, ठीक है। इसको ऐसे रहने देंगे, फॉन्ट चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। अपने सिंपल से रहने देंगे, इसको स्ट्रोक कर देंगे थोड़ा, स्ट्रोक और थोड़ा बांट देंगे शेडो, हो गया। देखिए कितना मस्त हो गया, इस तरह से बन गया, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से बनाया जाता है फ्रेंड्स, आप भी इस तरह से बनाएंगे। फोटो बन के कम्प्लीट हो गया फ्रेंड्स, तो इस तरह से बनाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह का वीडियो को पाने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको अभी सेव कैसे करना है, सेव देखिए यहाँ पर दिखा रहा है, यहाँ पर, ठीक है। इसको दबाना है, देखिए सेव एज इमेज, ठीक है, इसको दबा देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कस्टम लिखा हुआ, इसको राइट में देखिए एरो दिखा रहा है, यहाँ पर दबा के वेरी हाई क्वालिटी में कर देना है, और उसके बाद सेव टू गैलरी, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए कंप्लीट हो गया। उसके बाद होम पेज में आएंगे, उसके बाद देखिए अपना गैलरी में, देखिए ये देखिए फ्रेंड्स बन के रेडी। देखिए कितना मस्त फोटो बन गया शादी वाला, देखिए फटेगा भी नहीं। इसका अभी फोटो एल्बम बना सकते हैं, इस तरह से एक एक बनाइए और एल्बम बनाइए, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से बना के फिर वीडियो भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ओके फ्रेंड्स, इतना ही।